हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशीष अपने चैनल के माध्यम से अपने सारे दर्शकों का, सारे सब्सक्राइबरों का स्वागत करता हूं और चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है विली सीजे 3B के ऊपर। एक्चुअली ये विली सीजे 3B के ऊपर नहीं है, मेरे एक सब्सक्राइबर है प्रणब देसाई जी, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था कि डीजल गाड़ियों में साइलेंसर से, उनका एक इंटरजीप है उसके साइलेंसर से पानी निकलता है, जो डीजल जीप के साइलेंसर से अगर पानी निकलता है तो अच्छी बात है या गलत बात है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वही बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइबर करके नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन दबा दीजिए, और जो लोग ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है सबके पास पहुँच सके। तो चलते हैं उनके सवाल की ओर। सवाल ये था कि जो गाड़ियाँ होती है उस डीजल की, तो उसके साइलेंसर से उनका पानी निकलता है। तो जनरली फ्रेंड्स, डीजल की जीप के साइलेंसर से कभी पानी नहीं निकलता, कुछ स्पेसिफिक रीजन होती है जिसके वजह से डीजल के साइलेंसर से पानी निकलता है। लेकिन ये मेरे सामने है मेरी विली सीजे 3B, ये पेट्रोल है। पेट्रोल इंजन जब हम सुबह के टाइम में स्टार्ट करते हैं, अगर ट्यूनिंग अच्छा होता है, ऑयल और एयर का मिक्सचर सही तरह से होता है, तो उसके साइलेंसर से पानी निकलता है। ये मैं आपको अभी स्टार्ट करके दिखाऊंगा। ये काफ़ी दिनों से भी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी सर्दी का मौसम भी शुरू हो रहा है, आज थोड़ा सा ठंड है, सुबह का मौसम है। अभी टाइम शायद बजा है 6:15। तो चलते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि साइलेंसर से पानी निकलता है या नहीं निकलता। ये सर्दियों के मौसम में गाड़ी थोड़ा लंग सेल्फ लेता है, इसीलिए चोक का इस्तेमाल करें। मैं हमेशा चोक का इस्तेमाल करता हूँ और मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा टाइम लगा, इसका साइलेंसर पे कहीं पे लीक है। इसीलिए थोड़ी ऐसी फड़फड़ कर रही है। आप चलते हैं इंजन कंपार्टमेंट की ओर। इसको मैं उठाता हूँ, मेरी इंजन। अब ये देखिए, साइलेंसर एकदम चील है, इसका मतलब अभी पानी जरूर निकलेगा। ये देखिए, अभी साइलेंसर से भेपर निकल रहा है। पेट्रोल की गाड़ियों में जब इंजन थोड़ा सा गर्म होता है कोल्ड स्टार्टिंग में, फिर ये पानी निकलता है। अभी जब जितना सर्दी आएगा उतना पानी निकलना शुरू हो जाएगा। अभी थोड़ी देर के बाद देखेंगे यहाँ पे ऐसा ड्रॉप हो के पानी गिरेगा। और देखिए फ्रेंड्स, पानी मतलब कितना ही आता है, ज़्यादा नहीं, इससे पता चलता है कि आपके इंजन का जो ट्यूनिंग है वो एकदम परफेक्ट है। अभी मैं कार्बोरेटर के पास अभी आ रहा हूँ, ये देखते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये
कितना मॉइस्चर है, एकदम कार्बोरेटर चिल्ड है। इसका मतलब ये होता है कि गाड़ी का ट्यूनिंग परफेक्ट है, गाड़ी ज़्यादा तेल नहीं खा रही है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डीजल गाड़ियों में कुछ अलग ही होता है। मैं आपको एक डीजल की टर्बो डीआई और एक मैं CJ500 की भी वीडियो दिखाता हूँ। उसको मैंने रात में लिया था ठंड में, तो दोनों में कंपैरिजन में करता हूँ कि क्या होता है एक्चुअली। डीजल गाड़ियों में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तभी साइलेंसर से पानी निकलता है, क्यों निकलता है उसको भी मैंने इस वीडियो में दिया है। ये मेजर टर्बो है जिसका मैं साइलेंसर दिखा रहा हूँ। डीजल के साइलेंसर में पानी नहीं आता, दो तीन प्रॉब्लम होती है जिसके वजह से साइलेंसर में पानी आता है, तो मैं वो दो वजह आपको बताऊंगा। तो पहली चीज़ ये होती है, वो टर्बो था, ये डीआई है, ये डीआई सीजे वाली मॉडल है, इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका भी साइलेंसर रिव्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें भी धुआं नहीं, पानी नहीं आ रहा है। और इंजन दिखाता हूँ, ये देखिए, अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ और मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि किन किन रीजन के वजह से डीजल गाड़ियों में पानी निकलता है साइलेंसर में। जनरली पानी पेट्रोल की गाड़ियों में ही निकलता है, डीजल गाड़ियों में साइलेंसर में पानी नहीं निकलता नॉर्मली हमारे इस क्लाइमेट में। जनरली इंटर की जो जीप होती है उसमें पानी निकलता है, इसलिए कि उसका जो हेड गैस्केट कट जाता है उसका बार बार, तो इस हिसाब से वो पानी जाकर साइलेंसर में आ जाता है तो ऐसा ऐसा वेपर होकर निकलेगा। लेकिन कोई डीजल गाड़ियों में जनरली ऐसी कोई पानी नहीं, ऐसा पानी नहीं निकलता। और डीआई गाड़ियों में तो साइलेंसर में पानी नहीं निकलता, लेकिन डीआई गाड़ी में एक प्रॉब्लम है, अगर उसका लाइनर हेड का जो लाइनर होता है वो अगर फट जाता है तो वहाँ से पानी क्या होता है ये मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये एक डीआई इंजन का हेड का लाइनर है, उसमें देखिए बिल्ड क्वालिटी देखिए, ओरिजिनल कंपनी मेड है, लेकिन आजकल क्वालिटी कितनी घटिया दे रही है। ये हार्डली 15 साल पुरानी गाड़ी है। इसमें देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा छेद हुआ है जिसके वजह से पानी जो होता है साइड से होते हुए, हेड से होते हुए इस तरह अंदर घुसकर निकल जाती है, मतलब पिस्टन में आ जाती है, पिस्टन से पानी फिर चैम्बर में घुसकर चारों तरफ हेड लाइनर सब जो होता है उसमें ब्लॉक हो जाती है। उसको हम कैसे जानेंगे कि आपके ये लाइनर में प्रॉब्लम है? आप अगर जो मोबिल गेज है उसको अगर आप कैलकुलेशन किया तो पानी जब मोबिल में ऐड हो जाता है तो 5 लीटर से वो ज़्यादा दिखाएगा। मतलब मान लीजिए कि हमारे जीप में 5 लीटर का मोबिल है गैस में, तो जब हम उसको नापते हैं अगर 5 लीटर से ज़्यादा निकलता है और रेडिएटर से जो पानी है वो कम होके इंजन की तरफ जा रहा है तो रेडिएटर का पानी घटेगा और जो मोबिल है उसका लेबल ऊपर आएगा, तो उससे साफ जाहिर हो जाएगा कि ये लाइनर में होल है। अदरवाइज़ डीजल की गाड़ियों में धुआं नहीं निकलता, सॉरी वेपर नहीं निकलता, ये सिर्फ पेट्रोल की गाड़ियों में होती है। और पेट्रोल की गाड़ियों में जब धुआं निकलता है, मैंने इसका स्टार्टिंग में मैं अपनी जीप का दिखाया था, पेट्रोल जीप में कैसे पानी निकलता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीजल इंटर जीप हुआ उसमें अगर पानी निकलेगा साइलेंसर के थ्रू, तो समझ लीजिएगा कि आपके हेड गैस्केट में लीक है
उसको जल्दी ही चेंज करना पड़ेगा। अगर DI इंजन हुआ, टर्बो हुआ, उसमें अगर ये लाइनर वेन लीकेज होता है तो साइलेंसर से पानी तो नहीं निकलेगा, लेकिन जो उसका मोबिल का जो लेवल है वो हाई हो जाएगा और रेडिएटर का वाटर लेवल है वो लो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ छोटी सी जानकारी। मेरे जो एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो मैं बनाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझे इस काबिल समझते हैं कि आपका जो जो डाउट है वो मुझसे शेयर करते हैं, और मेरा नॉलेज जितना है उस नॉलेज के हिसाब से मैं ट्राई करता हूँ कि आपको सही जानकारी दे सकूँ। जो मुझे नहीं पता, मैं आता हूँ यहाँ पे, जो एक्सपर्ट बैठे हैं उन सब से बात करता हूँ, उनका हल निकल कर आपको देता हूँ। तो आपको कोई ना कोई अगर प्रॉब्लम हो गाड़ी के रिगार्डिंग, तो आप भी मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर आप ये कमेंट दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे मैं एंड करता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।